ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। ये पैरट फिश है, आप देख रहे होंगे वो रेड कलर की। ये येलो विडो फिश है, ये ऑस्कर है, ये टेम्पल है, ये आप देख रहे हैं ये बनाना चिकलेट है। ये ऑस्कर बड़े साइज में आपको मिल जाएगी, कोई मतलब डुप्लीकेट नहीं रखते हैं। ये मेड इन USA है, जो एक्टिव फिश होती है उनके लिए ये दिया जाता है। जैसे ये टेट्रा का है, ये अपने इंडिया में नंबर वन माना जाता है। हमारे पास ये जो है आपको मार्केट में ये नहीं मिलेगी। जैसे डॉग वगैरह कोई और पेट चाहिए है तो वो भी प्रोवाइड करा देते हैं ऑन ऑर्डर। शर्मा, आज की इस वीडियो में हम आपको विजिट करवाने वाले हैं हिसार फिश एक्वेरियम पॉइंट की, और देखेंगे कि फिशेस में और एक्वेरियम्स में यहाँ क्या क्या वैरायटीज अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर जानते हैं कि फिशेस में क्या वैरायटीज हैं, और अगर आप उनका फूड या मेडिसिन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसमें भी क्या क्या वैरायटीज हैं। यहाँ पे हर तरह के, हर साइज़ के एक्वेरियम हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। इम्पोर्टेड एक्वेरियम होते हैं वो भी हम लोग रखते हैं, और टॉयज़ की जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी वैरायटियाँ हैं। हर तरह के फिल्टर पंप सब कुछ हमारे पास अच्छी क्वालिटी का मिलता है। यहाँ पे फिशेस की काफ़ी वैरायटियाँ हैं, आप इधर देखिए। सर एक बार आप सबसे पहले एड्रेस बता दीजिए अगर कोई विजिट करना चाहे इस शॉप तो। एड्रेस है ये हमारा, इसको लाल बत्ती चौक भी कहते हैं, आई फुआरा चौक भी कहते हैं, और IG ऑफिस चौक भी कहते हैं जी। और राजगढ़ रोड का ये सामने वाला है जो राजगढ़ रोड जा रहा है, इस तरफ हमारा ये राजगुरु मार्केट की तरफ, इधर कैंप चौक की तरफ है, और कॉर्नर से 3 नंबर शॉप है ये हमारी। कॉर्नर से 3 नंबर शॉप? हाँ जी हाँ जी, हिसार फिश पॉइंट एक्वेरियम के नाम से है, ऑन रोड है। आपके पास एक्वेरियम वगैरह है तो फिश एक बार आप बता दीजिए, फिश आपके पास कौन कौन सी फिशेज हैं? ये देखिए जैसे इधर से आप देखेंगे ये येलो विडो फिश है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आप देखेंगे ये ग्रीन टेट्रा है, ये नीचे की तरफ आएंगे आप रेड कैप है, ये ज्वेल्स है, ठीक है। और आप और नीचे जाएंगे ये ऑस्कर है, मिल्की कोई, ठीक है। नीचे की तरफ गुरामी है, और ऐसे हमारे इसमें नेक्स्ट सेटअप पे आएंगे ये टेम्पल है, ये आप देख रहे हैं ये बनाना चिकलेट है, ये ऑस्कर बड़े साइज़ में आपको मिल जाएगी, ये पैरट फिश है आप देख रहे होंगे वो रेड कलर की, ये डॉलर है, नीचे आएंगे ये फायर माउथ है, ये चिकलेट है बड़े साइज़ में, और नीचे स्नैक हेड, ये स्नैक हेड है, ठीक है जी। और ये टेम्पल है, सगर कैट है, इस टाइप से काफ़ी वैरायटियाँ हमने रख रखी हैं। हाँ जी, तो सर जैसे फिश कोई लेना चाहता है तो क्या मतलब रेट किस हिसाब से आप लोगों ने रेट, हर फिश का रेट अलग अलग होता है, और हमारे रेट हैं जो हमारे मार्केट में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हमने रेट काफ़ी मतलब रीजनेबल रखे हुए हैं। जैसे कि ये 100 रुपीज़ का पेयर है, मार्केट में आपको 150 का या 120 का ऐसे देते हैं, हम 100 रुपीज़ का है जी। ये भी 100 रुपीज़ का है, ये 80 रुपीज़ पेयर है, ये 200 रुपीज़ का पेयर है, ये 250 का है, ऐसे हर वैरायटी का अलग अलग रेट है, बट मार्केट से हमारे रेट काफ़ी रीजनेबल मिलेंगे आप लोगों को। तो सर जैसे फिश के लिए, जो फिश के लिए फूड वगैरह होता है जी, वो जी, भी जी, मिल जाता है ये? हाँ, ये हमारे पास टॉप बेस्ट जो भी फीड होते हैं, जैसे टेट्रा बीट है, ये हमारे इंडिया में मतलब नंबर वन फीड्स में आता है, और ये हिकारीज के प्रोडक्ट हैं, ये बोल्ड में नंबर वन फीड है। तो जैसे अगर मतलब जिसने फर्स्ट टाइम अगर फिश लिया हो या एक्वेरियम लिया हो तो उसके बारे में आप कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए एक बार आप वो बता दीजिए। जी जैसे कि हम कोई भी कस्टमर आता है तो हमारे पास कस्टमर हर टाइप का आता है, ऐसे ये बाउल सेटअप है ये आप देखेंगे। हाँ जी। तो कस्टमर थोड़ा सा इस पे जोर देता है कि भैया हमें तो दे दो और रखना है, बच्चे जिद कर रहे हैं, तो हम पहले तो इसके लिए मना करते हैं उनको और कहते हैं कि आप एक तो सड़क पे बेचते हैं लोग, उनसे मत लीजिए, और इस तरह का भी मत लीजिए, एक तरह से तो नाइंसाफ़ी होएगी, उसको भी एक फ़िश को भी अपना थोड़ा सा एरिया चाहिए होता है। तो हम उसको मना करते हैं और गाइड करते हैं कि आप ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे साइज़ में इस टाइप का जैसे हमने तैयार कर रखा है ये। हाँ जी। तो हम कहेंगे इतना तो कम से कम आप बनाइए, ठीक है। उसके बाद जो भी बेसिक होती है इन्फॉर्मेशन वो सब देते हैं उनको, 15 दिन में आप इसका आधा पानी चेंज कर दीजिए, मेडिसिंस वगैरह होती हैं ये देखिए, हम कोई मतलब डुप्लीकेट नहीं रखते हैं,
ये मेड इन यूएसए है, काफ़ी कॉस्टली हैं। हम लोग मतलब जब सर्विस वगैरह देते हैं तो हम अपनी तरफ से कस्टमर को, ताकि उनकी कोई भी मतलब मोडलिटी ना हो, फिशेज को मतलब डेड ना हो, तो सर्विस में पूरा हम अपनी तरफ से ये इंक्लूड करते हैं। और फीड कैसे देना है, कैसे रखना है, कितने टाइम तक एयर पंप चलाना है, कितने टाइम तक हमको इसका फ़िल्टर चलाना है, और अगर कुछ भी जैसे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं उनको, भाई किसी भी टाइम आप कॉल कीजिए, हम आ जाएंगे। ओके, तो सर जैसे फिश के लिए जो फूड है, रेंज कहाँ से शुरू हो जाती है, बेसिक से अगर हम बात करें तो? रेंज मैम देखो, वैसे तो ये लोकल फीड होते हैं, थोड़ा सा हम इसके लिए भी अवॉइड करते हैं कस्टमर को कि भाई ये मत लो आप, लेकिन मानते नहीं है कस्टमर, कहते हैं हमें तो सस्ते वाला दे दो। तो ये मार्केट में आप जाओगे 50-60 रुपए का है, हम 30-20 रुपए में दे देते हैं, लेकिन मना करते हैं मत खिलाओ आप, पर मानते नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास, हम ये देते हैं, ये फीड देते हैं 120 का, ठीक है, मार्केट में 150 का भी बेच रहे हैं लोग, 180 का भी बेच रहे हैं, बट ये बेस्ट फीड है, ये सभी फिशेस के लिए होता है। जी जी जी, फिशेस के, वैसे तो फिशेस के ऊपर भी वैरायटी पे भी डिपेंड होता है, जैसे ये ब्लड बोन्स देना पड़ता है, ये ऑस्कर फिश होती है जो भी, और जो एक्टिव फिश होती है उनके लिए ये दिया जाता है, ठीक है, और जो मीडियम साइज़ की टॉपिकल फिश होती हैं, फिशेज होती हैं, उनके लिए यही है, ऑप्टिमम हो गया। बड़े साइज़ की है तो ये इस टाइप का क्विक रेड हो गया, इसमें दाने का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हाँ। फिर ये मेडिसिन हैं, ये भी हम अच्छी क्वालिटी की जो बेस्ट होती हैं वो रखते हैं, रखना देखो हर चीज़ पड़ता है, लोकल भी रखना पड़ता है क्योंकि कस्टमर हर तरीके का आता है, हाँ। लेकिन हमारे पास ये जो है आपको मार्केट में ये नहीं मिलेंगी, ये वाली। फिल्टर पंप्स, एक्वेरियम फिल्टर पंप्स हैं जी, तो इनका मेनली यूज क्या रहता है एक्वेरियम में? ये जैसे पानी होता है तो फिर फिशेस को हम फीड डालते हैं, तो फीड के बाद वो गंदगी वगैरह भी फिशेस करती हैं, तो ये फिल्टराइज करता है, इसके अंदर फोम होती है पानी को, जैसे समरसिबल पंप होते हैं ये वाले, ये पानी को लेके जाते हैं, टॉप फिल्टर लगता है, उसके अंदर फोम लगी होती है, ये इस टाइप से ये फोम होती है उस टॉप फिल्टर के अंदर, तो ये पानी जाता है तो फिर पानी इसमें जो भी गंदगी होती है वो यहीं रह जाती है, और पानी फिल्टर होकर फिर नीचे आता है, तो इसमें इनका जो अमोनिया नाइट्रेट वगैरह गैसेस वगैरह होती हैं वो नहीं बन पाती हैं, पानी साफ़ सुथरा रहेगा, मछली फिर हेल्थी रहेगी, फिशेस और डेड वगैरह भी नहीं होती हैं, लाइफ अच्छी होती है उनकी। और फिल्टर भी काफ़ी तरह के होते हैं, ये पावर हेड हो गया, ये हमारा ये इंटरनल फिल्टर हो गया, टॉप फिल्टर आते हैं, हैंगिंग फिल्टर आते हैं। बेसिक फिल्टर जो होता है वो क्या रेंज शुरू हो जाती है बेसिक फिल्टर की? बेसिक फिल्टर की रेंज शुरू हो जाती है, जैसे ये होता है, ये 1000 नंबर होता है ये, हाँ, ये 200 रुपये का होता है, 200 से रुपये, फिर उसके बाद ये साइज़ के ऊपर होता है, जैसे 1000 पावर का है ये, फिर 1200 पावर का है, ऐसे ये और ज़्यादा पावर का है, तो रेट उसके हिसाब से बढ़ते रहते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, ऐसे रेट बढ़ते हैं उनके। और टैंक के साइज़ के हिसाब से भी होता है, जैसे अगर हमारा 1.5 फीट का टैंक है तो हम उसमें ये 1000 नंबर लगा सकते हैं, ये इजीली वर्क करता है, पानी को क्लीन रखता है, लेकिन अगर टैंक 2 फुट 2.5 फुट का आ जाता है तो फिर हमें 1200 नंबर लगाना पड़ता है, 5 फीट तक आ जाता है तो उसमें टॉप फिल्टर लगाना पड़ता है, इस तरह से। तो सर जैसे कोई अगर घर में एक्वेरियम इंस्टॉल करवाते हैं तो आप लोग वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप घर में जाके एक्वेरियम इंस्टॉल कर सकते? जी 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 मैम, बिल्कुल हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जैसे उसके बाद मेंटेनेंस के लिए भी हम उन्हें कहते हैं आप हमें कॉल कीजिए, जैसे 15-20 दिन में इसमें गैसेस वगैरह बन जाती हैं, ये जो आपको फोम दिए ये ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो उसकी सर्विस ज़रूरी होती है, मेंटेनेंस ज़रूरी होती है, तो हम वो भी प्रोवाइड कराते हैं। ओके, इसी के साथ साथ जैसे एक तरह से जो फिशेज है उन्हें होम एनवायरनमेंट देने के लिए इस तरह के प्रॉप्स यूज होते हैं? जी जी मैम। तो ये रेंज क्या रहती है इनकी? रेंज मैम ये डिपेंड करता है, जैसे कि अभी ये आप देख रहे हैं तो ये आपका 150 का है, ठीक है, वो साइड में वो एक ट्री का हो रहा है, ये मतलब 100 पीस के लिए होता है ये, हाँ जी। ये हमारा 200 का है, इस तरीके से ही ये टॉयज़ होते हैं, जैसा एक वो समुद्र टाइप का एनवायरनमेंट बना, हाँ एनवायरनमेंट बनाने के लिए, क्योंकि जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा फिशेज उतने अच्छे से रहेंगी, हैप्पी रहेंगी, और उनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, तो एक तरह से एक्वेरियम को ऐसा बनाया जाता है कि उनको नेचुरल सा लगे, हाँ, उनको लगे ना कि वो किसी एक्वेरियम में लगे कि वो ओशन, हाँ हाँ बस बस। अगर कोई कहता है कि हमें लाइव प्लांट्स चाहिए तो हम लाइव प्लांट्स का सेटअप भी लगाते हैं, उसमें क्या रहता है उसमें और ज़्यादा फिशेज को लगेगा कि हाँ भाई मैं ओशन में हूँ और ऐसा किसी चीज़ में कैद नहीं हूँ मैं, हाँ, तो फिर हम उस टाइप से भी बनाते हैं। तो सर जैसे इस साइज़ का जैसे एक्वेरियम है तो क्या रेंज रहेगी अगर कोई इस तरह का एक्वेरियम लेता है तो? ये एक्वेरियम पूरा कम्प्लीट तैयार करके हम 3500 रुपये का देते हैं, इसमें 5 पेयर मछलियों का होता है, ठीक है, और टॉय लगाया जाता है, इसके अंदर प्लांट्स लगाए जाते हैं, फिल्टर लगाया जाता है, एयर पंप ताकि उनको ऑक्सीजन मिले, पूरा कंप्लीट करके 3500 से 4000 के बीच में, थोड़ा साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है,
और अगर फिशेज को चेंज कराते हैं, जैसे हम अपनी तरफ से इसमें 10 फिशेज डाल के देंगे, कस्टमर कहता है नहीं हमें और चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से रेट थोड़ा बहुत। तो हमारे हिसार फिश पॉइंट एक्वेरियम में ये हम दोनों भाइयों ने मिलके एक काम शुरू करा है। ये लक्की भाई हैं, इनको 16 साल से इस लाइन का एक्सपीरियंस है, मुझे भी 5 साल हो गए हैं इनके साथ काम करते हुए जी। तो हमारा मेन मोटिव है कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे हम, ताकि कस्टमर परेशान ना हो। अगर कस्टमर परेशान नहीं होगा तो रिव्यूज़ अच्छे आएंगे, फिर हमारा जो ये काम है हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो कस्टमर को जितनी अच्छी सर्विस देंगे तो वो और अपना रिव्यू देगा लोगों को, तो हमारा काम बढ़ेगा। इसलिए हमारा मेन मोटिव रहता है कस्टमर को यहाँ वहाँ ना भागना पड़े। ऑन कॉल वो कोई भी चीज़ कहते हैं हम उनको घर पे भी प्रोवाइड करते हैं, सर फीड खत्म हो गया तो आप घर पे दे जाएंगे, हमें ओके दे जाएंगे सर जी। तो ये है जी, हमें घर बैठे ही वो सारी सर्विसेज जो है जी वो जी 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 होम डिलीवरी भी है। अब मार्केट में और लोग भी हैं तो सर्विस के लिए लोग परेशान होते हैं, वो एक्वेरियम लगवा तो लेते हैं बट उन्हें बाद में मेंटेनेंस नहीं मिलती जिससे फिशेज मरती हैं, तो इसलिए आदमी फिर थोड़ा सा वो होता है नहीं यार नहीं रखना है। और जो उनके सर्कल होगा उनमें भी वो यही गाइड करते हैं कि नहीं यार मत रखो, वो एक बार तो दे देते हैं बाद में सर्विस नहीं करते हैं। तो हमारा काम ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारा मेन सबसे पहले हम इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि अगर कस्टमर को हमने टैंक लगाया है उनके घर में इंस्टॉल किया है तो हम उनको सर्विस के लिए ऑन टाइम सर्विस ऑन कॉल सर्विस देते हैं। ये केजेस भी हम रखते हैं, जैसे बजरिक बर्ड है छोटे होते हैं साइज़ में, तो उनके लिए इस टाइप का हो जाता है, इसमें एक पेयर आराम से रह सकता है। ओके ठीक है। फिर कस्टमर कहता है हमें थोड़ा और अच्छा अट्रैक्टिव में चाहिए, तो इस तरह से अट्रैक्टिव ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है, ये इस तरह से ला के देते हैं। फिर रेंज क्या रहती है जो ये इस तरह केज रहते है? रेंज भी वही है ना, जैसे अब ये आप देखेंगे ये 600 रुपये का है जी सिंगल पीस, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, इसका कलर वगैरह है तो ये 1200 रुपये का है। ये आप ये नीचे देखेंगे ये सारे ये 800 रुपये की रेंज में है, हाँ इसमें थोड़ा सा साइज खुला हो गया है तो बर्ड्स भी थोड़ा आराम से इसमें। सर जैसे कोई ऑर्डर पे अगर केज बनवाना चाहता है अपने अपने अकॉर्डिंग साइज उन्हें बड़ा चाहिए छोटा चाहिए जी, तो हाँ तैयार हो जाता है? बिल्कुल 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 तैयार कर देते हैं। जैसे ही मतलब लोगों के घर में स्पेस होता है वो कहते हैं हमें तो यार थोड़ा सा बड़ा चाहिए ताकि पक्षी को एनवायरनमेंट अच्छा मिले जी। हाँ तो उसके लिए हम जैसे भी वो उनके घर में जाते हैं विजिट करते हैं, वो हमें साइट दिखाते हैं कि यहाँ पे करवाना है हमें, तो उसका साइज लेके उनका फिर स्टील में कहते हैं तो स्टील में, लोहे का कहते हैं तो लोहे में केज तैयार करवा देते हैं। तो अगर आप भी अपने घर में एक्वेरियम रखना चाहते हैं या फिशेस रखना चाहते हैं तो इस शॉप को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, जिसे यहाँ पर एक्वेरियम यहाँ लगे भी हुए हैं डिस्प्ले में, और बहुत प्यारी और बहुत क्यूट फिशेस मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो अगर आप फिश या एक्वेरियम रखना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा लकी भी माना जाता है, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग भी फिश एक्वेरियम घर में बहुत लकी माना जाता है, और आपका जो घर का इन्वायरमेंट है ना वो काफ़ी हैप्पी रहता है। तो आप एक्वेरियम वगैरह अपने घर में ज़रूर रखिए, अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो वो इन्वायरमेंट भी उनको भी खेलने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है और वो भी थोड़ा बहुत सीखते हैं इन चीज़ों को। और डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए तो खैर ये अच्छी लगती हैं क्योंकि काफ़ी कलरफुल होती हैं, बहुत क्यूट होती हैं। अगर आप सोच रहे हैं एक्वेरियम रखने के लिए तो आप ज़्यादा सोचिए मत, और फवारा चौक पे हिसार फिश एक्वेरियम पॉइंट के नाम से आपको ये शॉप मिल जाएगी और सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिलेंगी। मतलब आप खरीद भी लेंगे एक्वेरियम तो आफ्टर सर्विसेज भी आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। आप कैसी लगी आपको हमारी ये विजिट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने वेल विशर्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।